आज हम आए हैं प्रताप नगर के अल्फाबेट्स स्कूल में जहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में बबलू चौधरी जी हेमराज जी और राकेश चौधरी जी आए हुए हैं और स्कूल के ऑनर हमारे पीयूष पांडे जी और साथ में हमारे हैं पुष्पेंद्र भारद्वाज जी जो नेता प्रतिपक्ष नेता जो हैं अपने सांगानेर विधानसभा के उनके छोटे भाई अभिषेक जी भारद्वाज जी हैं हम पूछ आज जो आप कार्यक्रम में आए हैं इसके बारे में दो शब्द क्या कहेंगे आप बहुत पहले तो प्रिंस पांडे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे क्षेत्र के विकास इनके लिए स्कूल के लिए, लिए यहाँ पर बच्चे और नहीं यहाँ पर आसपास में कोई स्कूल भी नहीं थी उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई है यहाँ पे स्कूल नहीं है उसका बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा आस पास में यहाँ पर कहीं भी स्कूल नहीं है कितनी दूर पर है स्कूल एक डेढ़ किलोमीटर पर हाँ क्या के मैं छः साल पहले यहाँ ज्ञानविहार कॉलोनी में आया था जब मैंने यही देखा कि यहाँ की जो भी स्कूल्स है वो साढ़े तीन चार किलोमीटर प्रताप नगर हल्दी घाटी मार्ग या फिर कुंभा मार्ग पे जाना पड़ता था बच्चों को तो हमने ये डिसाइड कर लिया था उसी समय कि हमें अपने यहाँ के जो लोकलिटी है उनके बच्चों को एक अच्छा प्ले ग्रुप से लेकर के प्ले ग्रुप नर्सरी फर्स्ट सेकंड तक की जो भी क्लासेस हैं बच्चों की बेसिक फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करती है तो उसके माध्यम से हम यहाँ पे ये यह डिसाइड कर लिए थे कि मुझे यहाँ पे किसी भी हालत में यहाँ की जेंट्री को सुधारने के लिए अच्छी एजुकेशन पॉलिसी लानी होगी गवर्नमेंट ध्यान देती है मगर आप देख ही रहे हैं कि किस हिसाब से ध्यान दे रही हैं तो हम पार्षद और इन लोगों से जो भी है हमारे भाई साहब लोग इन सबसे मुलाकात करके डिस्कशन किया तो इन्होंने कहा कि भाई एक अच्छी स्कूल आना चाहिए फिर हमारी ज़मीन और यहाँ प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी तो हमने यहाँ स्कूल खोला है और मैं चाहता हूँ कि सबका विकास हो बच्चों की पढ़ाई का विकास हो डेवलपमेंट हो और इनमें इन सभी लोगों का पार्षद हों या नेता प्रतिपक्ष हों या नेता हों या बड़े जैसे पुष्पेंद्र भारद्वाज जी की कॉन्स्टेंसी है तो उनके अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं इसमें ध्यान दिया जाए आप देख रहे हैं हमारे साथ बबलू जी जो पार्षद हैं वार्ड नंबर सौ के पार्षद के बाद वो ब्लॉक अध्यक्ष बने और अब नगर निगम ग्रेटर में नेता प्रतिपक्ष के रूप में इनको जिम्मा मिला है कांग्रेस के द्वारा तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो ग्रेटर में मतलब बीजेपी का बोर्ड है और जिस हिसाब से आप लोग कह रहे हैं कि मतलब कचरा टाइम पर नहीं उठ रहा क्या क्या समस्याएँ आ रही हैं आप लोगों को सबसे सब पहले तो मैं मेरे मित्र पीयूष पांडे जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ में ये स्कूल की स्थापना की है ताकि यहाँ आसपास जो बच्चे रह रहे हैं उनको बहुत दूर ना जाना पड़े शिक्षा के लिए और उनके घर का ही माहौल आसपास में उनको मिल जाए और नगर निगम ग्रेटर का नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि सत्ताईस महीने से आज तक साधारण सभा नहीं बुलाई गई है जिसका खामियाजा पार्षदों के साथ साथ आम जनता को भी भुगतना पड़ रहा है तो मैंने सी साहब को भी कहा है और मेयर साहिबा के भी न, मैं नज़रिए में बात डाली है कि साधारण सभा बुलाई जाए ताकि पार्षदों की समस्याओं को सुना जा सके और मुझे जो ये पिछले एक डेढ़ महीने से जब से मैं नेता प्रत्यक्ष बना हूँ मुझे एक एहसास सा हो रहा है कि वो लोग अपनी ज़िम्मेदारी से भागना चाह रहे हैं और उनके मन में ये है ही नहीं कि लोगों की जनता को राहत मिले और कोई काम हो वो तो बस अपनी ज़िम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं नहीं जब आपकी साधारण सभा की मीटिंग होती है तो उसमें बीजेपी के पार्षद लोग कहते हैं कि आपकी सरकार है फिर भी काम नहीं हो रहा तो उसके लेकर आप क्या कहना चाहेंगे अब नगर निगम ग्रेटर में सरकार किसकी है तो मैं तो बोल नहीं सकता है तो आपको भी पता है सरकार किसकी है और ये तो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई कि सरकार इनकी है उनकी है काम करने की जिसकी मंशा होती है वो सरकार का नाम लेके बचने की कोशिश नहीं करता वो सिर्फ काम करने में यकीन रखता है और हम कांग्रेस वाले काम करने में ही विश्वास रखते हैं हमारी विचारधारा भी यही है हमारे को ये नहीं है कि किचड़ उछाल के दूसरे को फेंका जाए हम का, काम करने में विश्वास रखते हैं और हम अपने वार्डों में पूर्ण रूप से सक्रिय हैं लेकिन हमें जो संसाधन और हमें जो नगर निगम से सहायता मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं इस इस मामले में कमज़ोर पड़ रहे हैं हमारे साथ हेमराज जी भी है। हैं हेमराज जी से हम पूछना चाहते हैं आपको इतना बड़ा वार्ड है पूरा विकसित नहीं है तो आपको क्या समस्या का पहले तो मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जो हमारे को स्कूल में आने का सौभाग्य मिला और वार्ड में काफ़ी समस्याएं तो है ही मेन है कि बच्चों का बहुत से पहले देखना हमको तो गुरुजी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो गुरुजी जी से हम भी कह रहे हैं कि जो भी हमसे कोई मदद चाहिए जो हमको भी अवगत कराएँ तो आपकी मदद करेंगे और बच्चों का विशेष ज़्यादा ध्यान दें पढ़ाई में ऐसे हम मदद करने के लिए तैयार हैं हमारे आस में स्कूल में आसपास है भी नहीं स्कूल है ये नहीं जो सफ़ाई को लेकर आपके वार्ड में क्या समस्याएं हैं सफाई की तो पूरी समस्याएं हैं है। सफाई हो ही नहीं पाती है सफाई, सफाई कर्मचारी रेगुलर है नहीं बरोबर है नहीं कर्मचारी भी कम वार्ड ज्यादा सफाई को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि जब जयपुर नगर नगर निगम ग्रेटर की स्थापना हुई थी जब जयपुर नगर निगम के दो हिस्से हुए थे उस वक्त ये तय किया गया था कि जो कर्मचारियों का बंटवारा होगा वो सिक्सटी टू फोर्टी की रेशो में होगा मतलब कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर को साठ परसेंट कर्मचारी मिलेंगे क्योंकि भूगोलिक स्थिति से जयपुर नगर निगम ग्रेटर बड़ा है और हेरिटेज छोटा है लेकिन कहीं ना कहीं पे जयपुर जयपुर नगर निगम ग्रेटर के साथ में थोड़ा सा सोतेला व्यवहार किया गया है यहाँ पे 40 परसेंट मिल के लगभग मिले साठ परसेंट मिल गया हेरिटेज को तो मेयर साहब को सीईओ साहब को ये आवाज़ उठानी चाहिए और कर्मचारियों को यहाँ भर्ती बढ़ानी चाहिए दूसरी बात जो पार्षद कांग्रेस के हैं उनको बीजेपी के पार्षदों के अनुपात में कर्मचारी कम मिले हुए हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं हम ठगा हुआ सा महसूस करते हैं और उसके बाद में जो पार्षद उनका क्षेत्रफल बड़ा है और जिन पार्षदों का क्षेत्रफल छोटा है तो उस अनुपात से उनको कर्मचारी ज़्यादा मिलने चाहिए जैसे हेमराज जी राकेश जी इनके पार इनके जो वार्ड हैं ये थोड़े से घनत्व में बड़े हैं भौगोलिक स्थिति से बड़े हैं और जो शहर के अंदर जो पार्षद हैं उनके त्यौहार थोड़े छोटे हैं लेकिन वहाँ पे भी पंद्रह बीस कर्मचारी हैं तो यहाँ पे भी पंद्रह बीस कर्मचारी हैं वहाँ पे भी दो ऊपर मिले हुए हैं यहाँ पे भी दो ऊपर मिले हुए हैं तो ये तो समझने वाली बात है कि अगर क्षेत्र बड़ा होगा तो वह कर्मचारी बिल्कुल उसी रेशो के अंदर ज़्यादा मिलने चाहिए तो इसमें तो कोई कहने वाली बात ही तो समझने वाली बात है इसलिए कहीं ना कहीं पर हमारे ये पार्षद शादी हताश पड़े हुए हैं जनता मतलब जैसे पंद्रह क्षेत्रफल के हिसाब से पंद्रह पंद्रह से बीस आप लोगों के पास कर्मचारी हैं तो मतलब कैसे आप लोग मैनेज कर पाते सो हैं है। सोलह ही है। मतलब पंद्रह से बीस के बीच में तो कैसे आप लोग पूरे वार्ड को मैनेज कर पाते हैं आप लोग कहाँ कर रहे हैं कर नहीं पा रहे हैं ना तो मतलब जनता तो फिर आए दिन फोन करती होंगी आपको और शिकायतें करती होंगी जनता फोन करती है ना तो आगामी चुनाव में आप लोग फिर बाद में जनता के पास क्या मतलब लेके जाएंगे कि हमने क्या विकास कराया फिर नहीं जनता को तो हमारे हिसाब से संतुष्ट करते हैं हम करते हैं व्यवस्था ये निगम से तो प्रॉपर नहीं हो पा रही है ना अब आपको ग्रेटर का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया तो आप आगे क्या मतलब रणनीति अपनाएंगे इस चीज़ को लेकर सबसे पहले तो साधारण सेवा को उठ रही मांग को लेकर मेरी रणनीति है और उसके बाद में जो ओपन ये डम यार्ड्स बने हुए हैं ये सबसे बुरी स्थिति आज इनकी वजह से बनी हुई है और उनका मुख्य कारण ये है कि कर्मचारियों का बंटवारा और साथ में जो ये ऊपर जो गाड़ी है इनकी अव्यवस्था के कारण बनी हुई है क्योंकि लोगों को अगर समय पर सही संसाधन नहीं मिल रहे कचरा उठाने के लिए तो वो क्या करेंगे बेचारे वो चुपचाप कचरा कहीं और रोड पे जाके फेंक के आएंगे चाहे से रात के अंधेरे में हो या सुबह जल्दी पाँच छः बजे उठ के वो कचरा फेंक के आएंगे तो सबसे पहले हमारी आवाज़ ये है कि हुपरू की व्यवस्था पूर्ण रूप से सुचारू की जाए और जो अभी हुपर जो आते हैं वार्डों के अंदर उनके साथ में सहचालक नहीं होता सहचालक होना इसलिए ज़रूरी है कि हुपर का जो जितना स्टोरेज वो कचरा कर सकता है अगर सहचालक साथ होगा तो शायद वो फिफ्टी परसेंट ज़्यादा कचरा उसमें आ पाएगा ताकि वो उसको कंप्रेस कर सके उसके हाथ में एक ऐसा सेट होना चाहिए ताकि वो कचरे को कंप्रेस कर सके और एक्स्ट्रा कचरा उसके अंदर आ सके दूसरी बात जो महिलाएं जो गृहणियाँ हैं घर से सुबह कचरा डालने जब निकलती है तो ये ऊपर वाले क्या करते हैं गाड़ी को चालू रखते हैं सैचालक होता है, नहीं चलती गाड़ी में कचरा फेंकना पड़ता है तो कई बार कचरा वो लेडीज़ के सड़क के ऊपर भी आके गिर जाता है तो आप खुद सोचिए इमेजिन करिए कि अगर अपने साथ में ऐसी प्रॉब्लम हो कचरा अपने ऊपर आके गिर जाए तो अपने को कैसा फील होगा पूरा दिन वहीं पर आपका मतलब दिमाग वहीं चकरा जाएगा पूरा दिन आपको उसी चीज़ को सोचने में निकल जाएगा मूड खराब हो जाएगा तो ये व्यवस्था इनको सुचारू रूप से सही करनी होगी दूसरी बात ये पशु प्रबंधन समिति है जो उसकी जो जिम्मेदारी है अभी आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि इसमें अभी दोबारा टेंडर रिन्यू किया है और सेम ही कंपनी को डबल रेट पे वो टेंडर इशू कर दिया गया है तो ये तो साफ अपने आप में घोटाला दिख रहा है काम के नाम पे कुछ हो नहीं रहा पहले जितने आवारा पशु उठाए जा रहे थे आज की स्थिति में भी उतने ही पशु उठाए जा रहे हैं बस रेट दुगनी कर दी है तो इसमें तो आपको समझाने की कोई बात ही नहीं कि इसमें क्या चल रहा है तो इसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कालाबाजारी है तो इसके लिए भी हम आवाज़ उठाना चाहेंगे कि इसकी चांस पड़ताल होनी चाहिए घनता से तो जांच पड़ताल के लिए आपने क्या सीएम साहब को लिख के दिया कुछ या फिर कैसे आगे मैंने लिख के तो सिर्फ सी साहब को दिया है सीएम साहब को नहीं दिया लिख के लेकिन हमारी अब जल्दी से जल्द एक हम जो विपक्षी दल के जो पार्षद हैं हमारी शायद पच्चीस अभी मैंने डेट डिसाइड नहीं किया हमारी एक मीटिंग हम रखने वाले हैं उसमें पहले हम इसमें चर्चा करेंगे और उसमें फिर एक प्रेस मीडिया के एक संवाद का कार्यक्रम भी रखा गया है देखा जाता है कि जैसे बरसात आती है बरसात के दिनों में सिवर लाइन की बहुत ज़्यादा समस्या आती है तो उस चीज़ को आप लोग कैसे मेंटेन करते हो सिविर लाइनों के लिए तो बरसात से पहले नालों की सफाई का अभियान तो चलता ही है नगर निगम ग्रेटर की तरफ से लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ठेकेदार होते हैं वो उसमें बदमाशी कर जाते हैं तो इसमें तो सबसे पहले तो पार्षद की ही जिम्मेदारी है कि वो मौके पर जाके खड़ा होकर नालों की साफ सफाई करवाए और अगर कोई नाले उसमें जुड़े हुए नहीं हैं तो उनको अपने ए से बात करके उन नालों को जुड़वाना चाहिए और फिर वॉच रखनी चाहिए ठेकेदारों के ऊपर ताकि पूर्ण रूप से काम हो सके इसमें कोई मतलब लूप होल्स नहीं होने चाहिए ठेकेदार अपनी मर्ज़ी से काम करके चला जाए अधूरा काम छोड़ के चल जाए बाद में हम डिंडोर और पीटें तो कहीं ना कहीं पार्षदों को भी इसमें थोड़ा सा क्विक एक्शन बनाना पड़ेगा तो आप मानते हैं कि पार्षदों की मतलब इसमें जिम्मेदारी है और जो अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने देखा है खुद ने भी हमने भी देखा है कि कई वार्डों में जहाँ सीवर लाइन हो जाती है कहा पाँच पाँच दस 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 दिन सीवर लाइन सही नहीं होती तो वहाँ घरों के अंदर भी पानी भर जाता है तो फिर पार्षदों से बात की तो वो कह रहे हैं संसाधन नहीं है तो उसमें क्या संसाधन की कमी है या पार्षदों की संसाधनों की स्थिति तो किसी से छुपी भी नहीं है जयपुर नगर निगेटर में जो गाड़ियां हैं सिविल लाइन के लिए वो वास्तव में ही बहुत कमज़ोर स्थिति पर है एक एक गाड़ी दी हुई है उससे तो व्यवस्था हो नहीं सकती है तो संसाधन तो बढ़ाने ही पड़ेंगे नगर निगम ग्रेटर के अंदर ये तो बहुत जरूरी आवश्यक है और दूसरी बात सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं ये मानता हूँ कि कोई भी आदमी ऑनलाइन जब कंप्लेन डालता है तो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बिना ही उसके मोबाइल पे एक मैसेज फ्लैश करता है कि योर प्रॉब्लम हैज़ बिन सॉल्व तो सबसे बड़ी समस्या तो ये कि बिना प्रॉब्लम सॉल्व हुए ये प्रॉब्लम सॉल्व करते कैसे हैं तो ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया ये मैंने पहले भी सी साहब को भी कहा है और आगे भी हम ये मुद्दा उठाएंगे कि प्रॉब्लम हैज़ बिन सॉल्व वाला मैसेज आता क्यों जब प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं है तो जी तो आपने देखा हमने बात की बबलू चौधरी जी से जो सीवर लाइन की समस्या को लेकर लाइट की समस्या को लेकर हमने बात की राजीव चौधरी जी से वैसे प्यार से इनका बबलू चौधरी भी कहते हैं धन्यवाद आज हम आए हैं प्रताप नगर के अल्फाबेट स्कूल में जहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में बबलू चौधरी जी हेमराज जी और राकेश चौधरी जी आए हुए हैं और स्कूल के ऑनर हमारे